नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की बड़ी खबर। रात में बेटी मां के साथ घर में सोई थी, आधी रात को वह अचानक गायब हो गई। गायब होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने रात में ही किशोरी की खोजबीन की लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। सुबह हुई तो बाघार में गोलियों से छलनी लाश मिल गई। लाश मिलते ही सनसनी मच गई, सन्नाटा पसर गया। मामले की जानकारी मिलते ही सन्नाटे की चीरती हुई पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा तैयार कर शव को कब्जे में ले लिया। फिर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। अब पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। मामला औरंगाबाद के ओबरा थाना के कुरमाइन बिघा का है। बताया जाता है कि गांव के नंदलाल राम की पत्नी सुज्ञा देवी अपनी पुत्री प्रियंका के साथ घर में सोई हुई थी। आधी रात को मां की जब आंख खुली तो बगल में सोई बेटी गायब थी। बेटी को गायब देख उसे अनहोनी की आशंका हुई। पहले तो मां ने घर में बेटी को खोजा, फिर भी नहीं मिलने पर गोतिया परिवार को इसकी जानकारी दी। आनन फानन में रात में ही सबने मिलकर खोजबीन की, इसके बावजूद कुछ भी पता नहीं चला। मामले की जानकारी किशोरी के पिता नंदलाल राम को भी रात में ही दी गई, जो आंख बनवाने के बाद सेवा टहल के लिए सदीपुर स्थित बिहाता बेटी के घर पर थे। सूचना मिलते ही आनन फानन में पिता भी रात में ही गाँव वापस लौट आए। पिता ने भी गांव में बेटी की खोजबीन की लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। परिजनों की पूरी रात कसमकस में बीती। सुबह हुई तो गांव में जानवरों को चराने निकले चरवाहे ने गांव से 1 किलोमीटर पश्चिम बघार में किशोरी का शव देखा। इसके बाद चरवाहों ने शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण व परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने किशोरी के शव की शिनाख्त की है। सबको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किशोरी की गोली मारकर हत्या की गई है। शव के सीने और पेट में गोली के निशान पाए गए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची ओबरा थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया है। शव को पोस्टमार्टम कराने आए ओबरा थाना के दरोगा मनोज राय के चेहरे का हाव भाव देखने लायक था। मामले के बारे में पूछे जाने पर हंसते हुए कहा कि मामला हत्या का है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ओबरा थाना अध्यक्ष पंकज सैनी ने कहा कि किशोरी की हत्या गोली मारकर या चाकू से गोद कर की गई है। इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या हुआ कि इनको पिता जाख बनाए, बच्चे की हाथ सर्दी पूछ चले, माँ और बेटी सोई हुई थी। इसका पैखाना हो रहा था रात में, तो वो हुआ इसको बाद सो गए। 16 के बाद में उठ रहे तो देख रहे कि बची है। तब अनहारे भला पिताजी भी खबर देने लगा तो लोग सवेरा हुआ तो चरवाह लोग मतलब होने लगा तो लोग उन्हीं लोग बताया किसे वो लाश है। कौन मारा है कोई जानकारी है आपको? क्या चीज से मारा गया है? गोली से मार दिया है। कौन गांव के मामला है? तारा के पास में कुरमाई है। कुरमाई है। क्या नाम था बच्चे का? प्रियंका कुमार। उम्र? पिताजी का नाम? उम्र 16 बरस है और पिताजी का नाम नंदलाल राम। ठीक है। क्या मामला है सर? ये मामला तभी कुछ पता नहीं चल रहा है, मर्डर है। अब क्या उसके विषय में क्या मर्डर किया है, किस जगह पर बॉडी मिला है? कुरमाइन बधार में मिला है। क्या चीज़ से हत्या किया गया है? हत्या तो नहीं, जगह जख्म दुगो बुझाता है। अब क्या चीज़ हत्या किया गया पक्ष में है, छाती पर दुगो जख्म बुझाता है। पहचान हुआ है क्या? पहचान परिवार के लोग आ गए हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।